मुझे क्या देख रहे हैं, ये वीडियो सबसे पहले देखिए। निशंक जी ड्राइविंग कर रहे हैं और जी कई प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी ले चुके हैं। बीजेपी की बस इतनी ओवरलोड हो चुकी है, सोलानी पुल जैसे ही चढ़ेगी दोनों टायर निकल जाएंगे और कोई खेत में इस तरफ पड़ेगा और कोई इस तरफ तबला बजाता है मिलेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी तबला वादक भी ले लिए उन्होंने। अब किस किस की बात बताऊं मैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। ये एक समय में भारतीय जनता पार्टी में रहे, जब विधानसभा का चुनाव आया तो उमेश कुमार के समर्थक मनोज त्यागी जी, इन्होंने कहा था कि निशंक जी की बस ओवरलोड होने वाली है और ओवरलोड होते ही सोलानी पुल तक जाएगी, वहां पर टायर पंचर होगा, गाड़ी गिरेगी, कोई इधर खेत में चला जाएगा, कोई उधर खेत में चला जाके कोई तबला बजाएगा। हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया था कि अगर तबला बजाएगा तो नाचेगा कौन, उन्होंने ये बात नहीं बताया था। जब हमने दोबारा उनसे सवाल किया कि क्या वो गाड़ी फुल हुई, क्या वो गाड़ी सोलानी पुल तक पहुंची, जो सोलानी पुल है वहां तक पहुंची नहीं पहुंची? अभी नहीं पहुंची जी, उसे लगेगा टाइम। अभी अभी तो और सवारियां बैठ रही हैं, अभी कंडक्टर आवाज दे रहा हो ना, अभी सीटें फुल नहीं हुई हैं, जब सीटें फुल हो जाएंगी अभी ओवरलोड होने का टाइम है कुछ। तो मुझे लगता है कि शायद मनोज त्यागी जी को वो कंडक्टर आवाज लगा रहा था और मनोज त्यागी जी उसी ड्राइवर के सानिध्य में, उसी ड्राइवर के साथ भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। सोच करके देखिए कि ऐसे एक नहीं, ऐसे आपको हजारों नेता मिलेंगे जो एक तरफ तो किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे और दूसरी तरफ पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, और जैसे ही पार्टी ज्वाइन करेंगे इसके बाद वो लोग अपने श्रीमुख से पार्टी की बड़ाई करते हैं। एक वाक्य मनोज त्यागी जी का है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यशपाल राणा जी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, रुड़की विधानसभा से वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव भी लड़े, मेयर का चुनाव भी कांग्रेस सिंबल पर लड़े, उनके पीआरओ रहे सूरज नेगी जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़ा कष्टदायक वाली कंडीशन है कि मतलब उतने समय तक आप कांग्रेस पर है, आपने बीजेपी ज्वाइन की। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये इकलौते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, इनकी संख्या बहुत है, आप जहां भी जाएंगे आपको बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे। अब सोच करके देखिए कि जिन लोगों ने भाजपा के खिलाफ बोला होगा और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, इसके बाद की स्थिति क्या होगी। खैर, आते हैं फिर से मनोज त्यागी जी के ऊपर। मनोज त्यागी जी ने कहा था कि ये निशंक जी की बस भरेगी, गिरेगी, टूटेगी, नाचेगा कौन, बजाएगा कोई बजाएगा, और निशंक जी लगातार जो है भर्ती करते जा रहे हैं। उन्होंने एक और सवाल कर दिया था कि क्या निशंक जी जो भर्ती कर रहे हैं ये लास्ट तक टिकेंगे, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा रहेगी। तो भाई अब तो सवाल खड़ा हो गया मनोज त्यागी जी के ऊपर ही कि मनोज त्यागी जी क्या 2024 तक टिकेंगे, क्या बाकी लोग के साथ टिके रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो ओवरलोड हो चुकी है, बस ही ओवरलोड हो चुकी है। सोचने वाली बात है ना कि एक तरफ निशंक जी को इस तरीके से शब्द का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वो भी किसके सानिध्य में, भारतीय जनता पार्टी के उसी नेता, हरिद्वार लोकसभा के सांसद के सानिध्य में। और दूसरी तरफ एक और बात बताऊं मैं आपको, जब उनसे मैंने सवाल किया था कि भाई जिला अध्यक्ष कैसा बनेगा, अब वो शब्द कहूं या ना कहूं सुन लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के जितने जिला अध्यक्ष बनाए जाए सारे के सारे खत्म सिंह बनाए जा रहे हैं। पार्टी सम्मान देती है जो परिक्रमा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, पार्टी उन लोगों को सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने जिला अध्यक्ष बनाए जाए सारे के सारे खत्म सिंह बनाए जा रहे हैं। तो मनोज त्यागी जी के अनुसार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जब भी जिला अध्यक्ष बनाती है खत्म सिंह को बनाती है। और खत्म सिंह, देखिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता होती है, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है और हर व्यक्ति अपने आप में एक स्पेशल है, कोई ना कोई खूबी है, उस खूबी का प्रयोग करके इंसान अपना जीवन जीता है। वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। तो मनोज त्यागी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से बनाना शुरू किया है जिला अध्यक्ष खत्म सिंह को बनाती है, और जैसे ही जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई तो मनोज त्यागी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये समझ में नहीं आया, मनोज त्यागी जी ने इसको लेकर के अभी स्टेटमेंट नहीं दिया। स्टेटमेंट उनको बताना चाहिए कि आखिर अब क्या करेंगे, वो बस भरी या नहीं भरी,
अब वो बस फिर से ब्रेक फेल होगा, बस गिरेगी या नहीं गिरेगी, अभी तक उनका कोई इस पर कोई भी अभी तक सुझाव या कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। और उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। सोचने वाली बात है, जब चुनाव 2022 के थे उस वक्त इन्होंने अपने ही विधानसभा के विधायक रहे, पूर्व विधायक चैंपियन जी का साथ नहीं दिया था, साथ दिया था उमेश कुमार जी का, और अब फिर से ज्वाइन की है इन्होंने भाजपा। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके क्या वास्तव में भाजपा में पूरी तरीके से रहते हैं या कोई और व्यक्ति, या उमेश कुमार जैसा कि हो सकता है चुनाव लड़ लें, या हो सकता है कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ लें, तो ये निशंक जी के साथ रहेंगे या किसी और व्यक्ति के साथ चले जाते हैं, या देखना होगा, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कौन सी विचारधारा काम आती है पता नहीं, क्योंकि एक ही परिवार में कई बार बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी रहते हैं, तो सामने आकर के दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, पर घर में कैसे रहते होंगे ये सोच करके देखिए। क्या पति पत्नी, क्या माँ और बेटे, क्या परिवार में भाई और भाई एक दूसरे को लेकर के, सिर्फ एक दूसरे की पार्टियों को लेकर के झगड़ा करते होंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, क्या पार्टियों को लेकर के झगड़ा करते होंगे, लेकिन आप लोग आपस में ज़रूर लड़ते हैं। मैं हमेशा ऐसे विषयों को लेकर के आता हूँ और मुझे लगता है कि शायद इन विषयों को टच करने की कोशिश करता हूँ जो सही कहीं ना कहीं आपके दिल से जुड़ा हुआ है। सोच करके बताइए कि अब मनोज त्यागी जी क्या करेंगे, मनोज त्यागी की प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी, मनोज त्यागी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर लिखिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।